केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिम्हराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाला ये अजीज सेठ डबल रोड जो नेक्सस मॉल से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है भारत नगर को जाने तक जो है वो एंड होता है, इस सर्कल में, इस चौक में जो है यहाँ पे सिग्नल की कमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ की जो सड़क जाती है वो बन्नू रोड की तरफ जाती है जहाँ पे VTO कॉलेज है, और दूसरी तरफ जो सड़क जाती है वो आके जो है यहाँ पे प्रज्वल हॉस्पिटल को जाती है, और जो आगे की सड़क जो भारत नगर की ओर जाती है वहाँ पे जो है कई स्कूल हैं। यहाँ पे जो है स्कूल जंक्शन है, यहाँ पे सातगढ़ी बस स्टैंड जो है वो वहाँ पे जो रीजनल स्कूल है, ये तमाम स्कूलों का और हॉस्पिटल का जो जंक्शन है, यहाँ पे ट्रैफिक के ज्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पे सिग्नल की सख्त जरूरत है। इसकी फिक्र आज जो है SDTU के जो भी यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं वो जो है इस फिक्र को लेकर कई बार जो है प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन जो है प्रशासन नाकाम रहा। आज ये लोग जो है इस सड़क पर उतर कर सिग्नेचर कैंपेन लिए हैं। सिग्नेचर कैंपेन करने के बाद वो जो भी दस्तावेज है वो जो है यहाँ के DC को दिए जाएंगे। DC को देने के बाद भी अगर ये प्रोग्राम चालू नहीं किया गया तो ये लोगों की जिद है, ये लोगों की ये पुकार है, ये लोगों की फिक्र है कि यहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं उस हादसों को रोकने के लिए ये सड़क जाम करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। आइए अब हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप जो है इस मुकड़ पर सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं, ये लेने की वजह क्या है सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड इवनिंग एवरीबडी। आज SDTU सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की तरफ से जो है एक सिग्नेचर कैंपेनिंग हम कर रहे हैं। ये जो है माधवपुरा मेन रोड भारत नगर चेक पोस्ट है, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कई सालों से यहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, और इस रोड में जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और हॉस्पिटल हैं। इधर में VTO कॉलेज है और इधर में प्रेजेंटेशन अर्नॉल्ड प्रूडेंट रीजनल डीपॉल, और इधर में जो है हॉस्पिटल है, प्रज्वल हॉस्पिटल है। तो इतना ट्रैफिक होने की वजह से, इतना कंजेस्टेड होने की वजह से, होने के बावजूद भी यहाँ पर सिग्नल नहीं है। हमें यहाँ मालूम पड़ा कि कई बार यहाँ के सर्कल वालों ने जाकर जो है मनवी दी है कि यहाँ पर सिग्नल जल्द से जल्द आ जाए, फिर भी कोई इसके बारे में रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है। जैसे ही हमें पता चला, हमने इसकी तहकीक की कि ये कॉरपोरेशन और पुलिस संचार के बीच में जो है एक झड़प चल रही है कि ये AMC कौन मेंटेन करे, यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉर्स जो है किसके हक में जाए। तो हमारा सवाल ये है, ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये कोई अपनी तरफ से देने वाले नहीं है, ना पुलिस वाले अपनी तरफ से देंगे, ना कॉरपोरेशन वाले अपनी तरफ से देंगे। ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, इस टैक्स की बिना पर इनको काम कराना है, तो इनकी आपस की बातचीत में क्या लोगों की जान जाती रहे? तो इसलिए SDTO ने इस बात की अंगड़ाई ली तो हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है कई स्कूल वालों ने भी हमारा साथ दिया, और उन्होंने खुद अपने लेटरेट पर ये मैटर को बना कर दिया कि हमारी तरफ से आप DC कचहरी को सबमिट करें कि हम भी इसके खिलाफ हैं, हमें भी चाहिए कि यहाँ पर सिग्नल पड़े। और तमाम इंस्टीट्यूट वालों ने भी सील और सिग्नेचर डाले हैं इसके अंदर कि हम भी आपके साथ हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है सर आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर पूरा सहयोग है। ये पूरे जितने भी शॉप्स हैं, ये पूरे दुकान वाले और रास्ते पर चलने वाले सबके साथ हमारे साथ हैं। इन सबका कहना ये है कि यहाँ पर जरूर चाहिए कि सिग्नल है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ठीक 6 बजे में जब इतना कंजेस्टेड हो रहा है, तो आप सोचिए जो स्कूल की टाइमिंग है, 5 स्कूल के पेरेंट्स बच्चों को लेकर यहाँ से घूमते हैं, इस वक्त में क्या होता है। ये तो नेशनल हाईवे है, यहाँ पर TN और KL के ज्यादा व्हीकल्स घूमते हैं, तो सोचो सुबह में कितनी तकलीफ नहीं होती होगी। तो क्या आप तो ये जो है मेमोरेंडम DC को सबमिट करने वाले हैं? जी हाँ, हम यहाँ से जैसे सिग्नेचर कैंपेन खत्म हुई, हम DC सर को ये सबमिट करेंगे, और हम ये हमारी ये गुजारिश है DC सर से कि फौरन यहाँ पर सिग्नल का निजाम चलाए, होने वाले एक्सीडेंट से होने वाले लोगों के नुकसान को रोके। अगर इस मेमोरेंडम के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम आने वाले दिनों में एक बड़ी मुहिम चलाएंगे, और इस रास्ते को रोकने का भी हम अजम करते हैं कि हम इस रास्ते को भी रोकेंगे। तो क्या ऐसे हादसे हुए हैं क्या सर यहाँ पे? सर यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारी जाने गई हैं, बहुत सारे अपाहिज हुए हैं। यहाँ करीब में प्रज्वल हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल में जाकर पूछेंगे तो पता चलता है हर कोई एक्सीडेंट इस जंक्शन में होता है। यानी तो यहाँ पर पुलिस चौकी है, ये खुद ये पुलिस वाले डालकर भेजते हैं हॉस्पिटल,
कई बार हमें कॉल्स आते हैं, तो हम बार बार ये देख कर हम तंग आ गए, इसलिए आज हमने ये स्टेप को लिया है। सर स्ट्रीट लाइट्स तो है मगर ऑन नहीं हो रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स भी। तो उनको क्या बोलना चाहते हैं सर कॉर्पोरेशन के जो भी अधिकारी? सर फिलहाल तो हम यहाँ पर जो है सिग्नल के ताल्लुक से हम काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा स्टेप स्ट्रीट लाइट का है, जो यहाँ से लेकर नेक्सस सेंटर फोरम मॉल तक के स्ट्रीट लाइट जो है ऑन नहीं कर रहे हैं, इसका भी एक मुद्दा है, वो हम कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात करेंगे। सर क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के लाइट्स हैं या जो है वो सोलर से चलने वाले हैं? सर ये इलेक्ट्रिक सिटी लाइट्स हैं, सोलर के नहीं है, मगर उसका कोई वो अलग ही मुद्दा चल रहा है, जिनके लिए टेंडर दिया गया था वो टेंडर क्यों पास नहीं हुआ, वो बहुत कुछ लंबा है, उसके बारे में हम फिर एक कोशिश करेंगे, मुहिम चलाएंगे स्ट्रीट लाइट्स के लिए। नमस्कार गेलेयरे, नानु तन्नीर पाशा एम जिला प्रधान कार्यदर्शि एस डी टी यू मैसूर। गेलेयरे इवत्तु नावु तम गमन के हलवारु बारी ई सुद्दि बंदिदे, नम्म महादेवपुर मेन जंक्शन एनिदे पो चेक पोस्ट एनिदे सादगली बस डिपो, ई रस्तेयल्लि हलवारु अपघातगळु संभविसुत्तिवे, बहळष्टु जन मृतपट्टिद्दारे, बहळष्टु जन ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವುಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಕಂಬಗಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-30 ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ, ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾರು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಹೊಣೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇದಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಚಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಟಿ ಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.